नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं वेलनेस कोच धर्मेंद्र। दोस्तों, फैटी लीवर एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा एक ही है कि फैटी लीवर धीरे धीरे करके समाज में बड़ी शरीर की एक स्वास्थ्य की समस्या बनता जा रहा है। फैटी लीवर किन कारणों से होता है और फैटी लीवर के क्या समाधान है, इस पर आपको 1000 वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो चेक किए तो देखा कि जानकारियों का खास तौर पे मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में आज आप फैटी लीवर पे इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग हर प्रश्न का समाधान आपको मिल जाएगा। साथ में मैं त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि आपको कोई ऐसा चीज भी वो बताएं जिससे आपका लीवर जो है वो फैटी से एक तंदुरुस्त लीवर में तब्दील हो जाए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने ये जो 40 साल अपना जो आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के अध्ययन में गुजारे हैं, उसमें ये फैटी लीवर की जो समस्या है ये किस तरीके से सामने आई है और इसके क्या कारण है? देखिए, जैसे नाम से जाहिर है, फैटी लीवर, इससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं जी कि लीवर कहीं फैटी हो जाता है। इस बीमारी होता क्या है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं। जी तो जो हम फैट्स लेते हैं वो लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको रिलीज कर देता है वो। और ये फैट वहां रिजर्व होता है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में, अच्छा एक तरह का लिपिड होती है, बसा होती है ये भी। ये बीमारी जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा हो गई है, पहले शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, पहले जी इसका जिक्र भी कम होता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा है। और बार बार जैसे हमने अभी तक जिन बीमारियों के बारे में चर्चा की है, अमूमन सभी में हमने कहा कि इसके लिए लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। जिम्मेवार है। तो फैटी लीवर भी एक लाइफ स्टाइल की डिजीज है, जो बहुत ज्यादा चिकनाई खाने से, एल्कोहल का इस्तेमाल करने से, धूम्रपान करने से और एक सुविधापूर्वक जीवन जीने से, जहाँ जिसमें श्रम का अभाव है उन्हीं से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। और इसी तरह से फैटी लीवर को हम लोग डिफाइन करते हैं। फैटी लीवर दो तरह का होता है, एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एक होता है एल्कोहलिक। आमतौर पर आप देखेंगे, धारणा है कि जो बहुत कुख्यात शराबी है, कहीं पे भी आप किसी मोहल्ले में, शहर में पता चला उसका जिगर खराब हो गया था, है लीवर ना, खराब हो और गया लीवर खराब हो गया था, तो आमतौर पे हम शराब को लीवर खराब होने का क्रेडिट देते हैं और ये काफी हद तक सही भी है। जी। लेकिन जो फैटी लीवर है वो हमेशा शराब पीने से होता हो ऐसा नहीं होता। फैटी लीवर की बीमारी नॉर्मल लोगों को भी हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि लीवर में फैट स्टोर होता है। स्टोर इसलिए होता है वो कि जब जरूरत पड़ती तो फिर लीवर उसको रिलीज कर देता है। जैसे आपने सुबह भोजन किया और 6-7 घंटे बाद आपने दोबारा भोजन किया, तो जो कैलोरी आपने सुबह ली थी वो कम पड़ जाती है किसी इन 6-7 घंटे के अंतर में कहीं आके। यानी जो कैलोरीज आप ले रहे हो और जो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसके बीच के अंतर को मिटाने के लिए लीवर ने जो स्टोर किया है ट्राइग्लिसराइड्स ग्रुप में फैट्स को, वो रिलीज कर रिलीज देता है। करता है उसको। इतना शानदार मैकेनिज्म है कुदरत का। आप ये देखिए कि कितना लंबा चौड़ा हिसाब है कि 6-7 घंटे के अंतराल में जब भी एनर्जी की जरूरत होगी और फैट से एनर्जी देनी है तो लीवर उसको रिलीज रिलीज कर कर देगा। देगा तो जी। नॉर्मल नॉर्मल एक स्थिति है कि लीवर में फैट होता ही है, लेकिन जब वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तब उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। आमतौर पे जो लीवर का वेट है, अगर हम उस ऑर्गन का वेट करें तो 1200 से लेके 1500 ग्राम है, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1.5 किलो के बीच। अगर ये वेट 5 से 10% बढ़ जाए तो हम इसको फिर बढ़े हुए लीवर की कैटेगरी में रख लेते हैं, रखते फैटी हैं। लीवर की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा खाना पीना और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि हमारे लीवर में फैट डिपॉजिट ना हो। ठीक है जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लोग खाते पीते रहते हैं सारी चीजें। तो जब ये बढ़ जाता है तो अगर कोई डॉक्टर जब डायग्नोज करता है ये फैटी लीवर है तो इसमें घबराने की और परेशान होने की एकदम से कोई बात नहीं। आप MRI कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा, आमतौर पर रिपोर्ट में आ जाएगा कि फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2।
यहां तक कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क होने की बहुत जरूरत है। ये बीमारी जो है इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं इसका कोई इलाज नहीं है तो ये नहीं मानना चाहिए कि बिल्कुल जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी का इलाज इस संदर्भ में नहीं है कि इसके लिए कोई दवाई आज तक नहीं है, लेकिन इस बीमारी को, फैटी लीवर को आप रिवर्स कर सकते हैं। ग्रेड वन से भी सामान्य पे ला सकते हैं, ग्रेड टू से भी सामान्य पे ला सकते हैं। उसके लिए वही है जो आपको अपनी डाइट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने हैं, आपके लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज करने हैं, और उस हालत में लीवर आपका जैसे पहली अवस्था में था उसी अवस्था में फिर से आ जाएगा। खतरा कहाँ है? खतरा ये है कि आपने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, उसका इलाज नहीं करा, और इधर से आपने अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं किया, तो उसका नतीजा ये होता है कि पहले जो वो लीवर में स्टोर हुआ है अब वो अपने दुष्परिणाम दिखाने शुरू करेगा। और कहाँ तक दिखाएगा? ये भी संभव है कि एक स्टेज में जाके आपको लीवर सिरोसिस हो जाए। अच्छा जी, सिरोसिस का मतलब ये है कि अब आपका लीवर का मेजर पार्ट वो फंक्शन नहीं कर रहा है एक तरीके से, लीवर में कैंसर भी हो सकता है, और तब स्थिति बनेगी लीवर ट्रांसप्लांट की, लीवर को ट्रांसप्लांट करना, और वो इतना जटिल प्रोसेस है, महंगा भी बहुत है, और उसको कोई जरूरी नहीं कि एक आदमी के शरीर का लीवर दूसरे के शरीर में जब जाए एडजस्ट तो वो वहां पे एडजस्ट हो जाए। बहुत रेयर लोग ऐसे हैं। यही मैं बताऊं बड़ी दिलचस्प बात कि अमिताभ बच्चन जो हैं उनके लीवर का मेजर पार्ट वो ट्रांसप्लांट से चल रहा है, अच्छा कहीं से उन्होंने लिया है, लेकिन वो अपने खाने पीने में शायद इतनी सावधानी बरतते हैं कि इतना लंबा जीवन और एक्टिव लाइफ वो जी पा रहे हैं। तो ये स्थिति ना आए लीवर ट्रांसप्लांट की, लीवर सिरोसिस ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी डाइट में परिवर्तन करें। उससे तो एक तो लीवर आपका फैटी लीवर होने की संभावना नहीं होगी, और अगर ग्रेड वन ग्रेड टू तक भी वो आ गया है तो वो रिवर्स हो सकता है। अच्छा जी, लीवर को जो फैटी लीवर बनाने वाले जी, उसमें मेजर क्या खान पान की चीजें हैं जो उसको फैटी बनाती हैं? देखिए, जितनी भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, और कई बार लीवर की टेंडेंसी होती है ज्यादा लीवर फैट बनाने की, डिपोजिट करने की, तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है आमतौर पर। एक चीज क्या है कि फैटी लीवर जब होगा वो अपने आप में कोई लक्षण पैदा नहीं करता, सिम्टम पैदा नहीं करता है। नॉर्मली आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसका लीवर फैटी है, और जब उसको थोड़े बहुत सिम्टम आने शुरू होंगे, जब ज्यादा स्टोर हो जाएगा, तो सिम्टम ये होगा कि जो राइट अपर एब्डोमेन है जी, जो दाएं साइड का हिस्सा जहाँ लीवर आपका होता है, वहां एक डल किस्म का ना हल्का सा दर्द महसूस होता रहेगा हर समय। अच्छा, ठीक है। दूसरे, उस व्यक्ति को थकान बहुत होगी, अनएक्सप्लेन्ड उसका रीजन कोई नहीं होगा, और हर समय एक थकावट सी रहेगी, और उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो कमजोरी महसूस करेगा। तो जब इस तरह के सिम्टम आ जाए तब हमें अलर्ट हो जाना कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन सारी चीजों का एक इलाज है कि इनसे कैसे बचा जाए। तो उसमें पहली है आपका वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है जो आपका होना चाहिए तो उसको आपने कम करना है साथ में, और आपका जो फैट्स का इंटेक है जो आप ले रहे हैं, दूध घी मलाई ये तमाम चीजें ले रहे हैं, कम कर दो, इसको रेस्ट्रिक्ट करना, बहुत लिमिट करना, क्योंकि इससे जाके फैट वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तीसरा ये कि आपको अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल बढ़ानी है। आप दूध घी का विकल्प सब्जी, ताजे फल और सब्जियां ले लें, इसको भरपूर मात्रा में लें। शुगर या रिफाइंड शुगर जितनी है वो आपने अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। उसके साथ में आपको अल्कोहल को तो टच ही नहीं करना, अगर आपको अल्कोहल लेना फैटी लीवर है तो। हाँ, या बहुत से लोग बियर सोचते हैं कि इसमें तो क्या है, तो बियर हो चाहे अल्कोहल हो या कुछ हो, उसको आपने अवॉइड करना पूरी तरीके से। और स्मोकिंग को अलविदा कहना। स्मोकिंग का क्या, उसमें तो फैट नहीं होता? फैट बेशक नहीं होता, लेकिन और क्या है कि फैटी लीवर बहुत सारी बीमारियों को एग्रेवेट करता है। अच्छा अच्छा, ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है। तो स्मोकिंग तो अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो तमाम, चाहे लंग्स की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, स्मोकिंग मतलब शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें एहतियातन पहले ही स्टेप पे इस चीजों से परहेज बनाकर रखना है। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो हम उससे बचे रहेंगे। अब सवाल होता है कि रिवर्सल कैसे हो उस बीमारी का, यानी जैसे लीवर आपका पहले स्टेज में था वो कैसे आए, जो उसकी दुर्गति हुई है वो सदगति में कैसे हो। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी होती है। एक है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। हाँ जी, हाँ, तो वो खैर लेने में बड़ा कड़वा सा, अजीब सा होता है, खट्टा होता है, तो उसे आप गुनगुने पानी में मिला के ले सकते हैं।
और नंबर दो पे लेमन जूस जो नींबू है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें नींबू लेने का तरीका ये नहीं है कि सुबह आप उठे और आपने वो ले लिया। दिन में कम से कम 3 बार आप एक गिलास गुनगुने पानी में कम से कम एक नींबू काट के लें और उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। तीसरी चीज है ग्रीन टी। अच्छा, प्रचलन भारत में कुछ वर्षों से बढ़ा है। वैसे ये दूध वाली चाय ना लेके, चुटकुला भी कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से न केवल शरीर ठीक होता है बल्कि जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त। जी हाँ, चूंकि उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत, उसे टेस्ट नहीं है ना, इसलिए लेते नहीं है। तो ग्रीन टी लें, आदत डाल लें, वो धीरे धीरे पड़ जाती है जी। और एक हल्दी बड़ी कॉमन चीज है हमारी रसोई में, पपीता है खाने की चीज है ना, और एक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी भी के साथ ब्लैक कॉफी बड़ी यूजफुल। अच्छा, तो उस कॉफी में आपके ना तो शुगर होनी चाहिए और ना दूध होना सीधा। ब्लैक शुगर लेंगे तो वो भी बहुत इफेक्टिव है इस चीज में। और आंवला। अच्छा जी, हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि जो 7-8 चीजें हमने बताई हैं ये सारी साथ ली जाएं, इसमें 2-3 चीजों का भी अगर आप पालन करेंगे और अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर लेंगे, लीवर ठीक लेते रहेंगे, तो आपका लीवर ठीक होगा। जहां तक आयुर्वेद में इसके इलाज की बात है तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक फैटी लीवर का सफल इलाज आयुर्वेद में भी है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बेशक ना हो वहां पे है, तो उसमें हम मरीज की स्थिति देख के आरोग्य वर्धनी या विपत्ति कर चूर्ण और ऐसी आपके लोह की प्रिपरेशन उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो व्यक्ति विशेष की स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर लाइफस्टाइल से बहुत हद तक संभावना है कि आप लीवर अच्छे से एक्सरसाइज करना, अपना वेट हो जाएगा कर देंगे तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सुधार आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको लग रहा है कि सारे प्रयास के बावजूद ही अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा, तो आप किसी भी आयुर्वेद आचार्य से संपर्क कर लें। आयुर्वेद में जो सेकंड कैटेगरी का ट्रीटमेंट है बहुत ही इफेक्टिव है और इससे आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा जी, जैसे फैटी लीवर पे हमने ध्यान नहीं दिया और वो उसकी हालत खराब होती गई, तो वो फिर आने वाले समय में लीवर को बिल्कुल डैमेज कर देगा टोटली। हाँ, उससे पहले स्टेज में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, लीवर क्या है? लीवर को हम दूसरा ब्रेन मानते हैं। अच्छा, एक ब्रेन है, इसको हम दूसरा लीवर ब्रेन मानते हैं, दूसरे इसको हम केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर ये बीमार होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जूसेज बन रहे हैं पाचन में सहायक होंगे, जो और सब्सटेंस बन रहे जो बेहद जरूरी हैं उनका निर्माण कम हो जाएगा, और लीवर की सेल्स जो हैं इस तरीके उनमें कुदरती बात है कि वो रीजनरेट होती रहती हैं। तो इसलिए लीवर का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे उर्दू की शायरी में जिगर का बड़ा इस्तेमाल हुआ है ना, और जिगर को हम साहस से जुड़ के भी बातचीत, जिगर का टुकड़ा भी होते हैं। हाँ, जिगर के टुकड़े भी होते हैं। तो इन सारी इस रुमानियत के बीच में जरूरी है कि हम अपने जिगर का ख्याल एक बॉडी के ऑर्गन के रूप में ज्यादा करें। शेर शायरी भी होती रहेगी। अच्छा, आमतौर पे जैसे आदमी अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह बीपी वगैरह चेक करवाता रहता है, तो क्या उसको कभी साल में 1-2 बार लीवर की भी जांच करवा लेनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को लगता है, जैसे बहुत पेशेंट इस तरह की शिकायत करते हैं, जी मेरे यहाँ राइट साइड में हल्का सा दर्द बना रहता है, तो ऐसी किसी भी संभावना को नकारने के लिए, खारिज करने के लिए जरूरी है टेस्ट करा लें। टेस्ट करो। और मैं आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मेरा ये विश्वास है कि जो डायग्नोसिस की आधुनिक पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल करने में हमें झिझकना नहीं चाहिए, कि कम से कम बीमारी तो पता चले। इमेजिनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल है, कि वो आपकी एक एक सेल की सेहत के बारे में बता दे। तो एक बार डायग्नोसिस हो जाए, आधुनिक पद्धति से आप करा लीजिए, उसका एलोपैथी या आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद आचार्य के पास जा सकते हैं। अच्छा, ये जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे फैटी लीवर को ठीक करने के टोटके भी मिलते हैं जी, तो क्या इन टोटकों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना? जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी दवाई मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो कोई है नहीं, और जब मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ डॉक्टर ये मना कर देगा हमारे पास कुछ नहीं है, और ये अपने आप ही आपके जो डाइट के चेंजेस हैं उन्हें करके और एक्सरसाइज वगैरह करके आप इसको रिवर्स कर सकते हो, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी गुंजाइश है टोटके वजह की। ठीक तो होना ही है, अगर आप ये सारी चीजें करोगे ठीक होगा। ठीक तो अब इसके साथ साथ आप चाहे कोई धागा बांध दो, तावीज बांध दो, गले में कुछ भी लटका दो, तो उसका प्रभाव तो उतना ही होना है। और क्रेडिट आदमी क्या, हम हिंदुस्तान में ऐसी चीजों को क्रेडिट देते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। अब कह देना कि साहब ये आप सारी चीजें करो जो हमने बताई है अभी, और हम कहें कि साथ में आपने इस मंत्र का जाप करना है, तो क्रेडिट जो है आदमी का स्वभाव ही है उस मंत्र को देगा जी। तो ऐसी स्थिति में टोटकेबाजी को बहुत जगह मिलती है।
तो ये जो मोटी मोटी बातें हमने बताई कि फैटी इनको कर लोगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, फैटी लिवर एक आम बीमारी है, 5 में से 1 व्यक्ति को मिलती मिलती है हर हालत में, और ये हमेशा इसके कोई लक्षण वगैरह होते नहीं है, एक स्टेज पार होने के बाद में इसमें लक्षण आएंगे, और दवाई कोई नहीं है, लेकिन इसको हम जो उपाय हमने बताए इससे हम रिवर्स कर सकते हैं और आदमी एक सामान्य से बेहतर जिंदगी जीने की हालत में आ सकता है। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, इसको लेके जिन लोगों के पेट बड़े हुए हैं, बेली फैट जिनमें बहुत ज्यादा है, क्या उनका लीवर भी फैटी होता है? उनको बहुत संभावना है, क्योंकि जो एब्डोमिनल फैट है ये ना केवल आपके पेट पर होगा, जो विसरल ऑर्गन्स है ना आपके वहाँ उनमें भी बढ़ेगा, और वो वेट लीवर में भी बढ़ेगा। तो ये तो एक मतलब एक ऐसा मंत्र है, मूल मंत्र है कि वजन आपको लिमिट में रखना है, है तो उसमें उसका लीवर भी सही हालत। तोंद एक स्वाभाविक चीज नहीं है मनुष्य की। अच्छा, तोंद बनाकर कोई नहीं भेजता, भगवान पेट देख के बना, पेट को हम तोंद में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी गलत आदतों से। तोंद तो कुदरत की तरफ से दिया एक ऐसा लक्षण है, MRI है, CT स्कैन है, कि जो आपको बता रहा है कि अब आपके हालात ठीक नहीं है। तोंद को खुशहाली के साथ ना जोड़े, ये बीमारी का प्रतीक। कुछ समय पहले तक मेरी भी बहुत बड़ी तोंद होती थी। जितनी जल्दी आप इसको कम कर लेंगे उतना सुखी रहेंगे। दोस्तों ये थी फैटी लीवर पे एक सार गर्भित चर्चा आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर सतीश त्यागी जी के साथ। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि उनमें से कोई एक कमेंट जो बीमारी के बारे में पूछा जा रहा हो उसको मैं डॉक्टर साहब से पूछूं। ये हर वीडियो उन्हीं कमेंट्स पे आधारित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के होते हैं इसलिए मैं सबके नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। आप किसी विशेष बीमारी से पीड़ित हैं या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी ना किसी दिन वो सारी जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल हमने विशुद्ध रूप से जनहित के लिए शुरू किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा स्वास्थ्य चैनल के रूप में प्रोवाइड करवा पाएंगे। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद जो लोग हैं या बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं आप जिनको जानते हैं उनके साथ हमारा वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।